हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी दोस्तों। इस टाइम मैं हूँ शहीद उधम सिंह वाला की जन्मभूमि, जी हाँ दोस्तों, संगरूर डिस्ट्रिक्ट की सुनाम शहर में। और इस टाइम मैं हूँ सुनाम शहर के मार्केट में, जैसे कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हो। इस टाइम मैं हूँ सुनाम सिटी की मार्केट में, और यहाँ पे आज मैं हुआ था, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको इस रेलवे स्टेशन का, सुनाम रेलवे स्टेशन का ओवरव्यू करवा दूँ और दिखा दूँ यहाँ पे कैसा कुछ, कैसी फैसिलिटीज यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। सो यहीं पे पास में ही रेलवे स्टेशन है, तो चलते हैं प्लेटफॉर्म पे और देखते हैं वहाँ पे कैसी फैसिलिटीज़ देखने को मिलेंगी। सबसे पहले दोस्तों मैं आप सबको दिखा देता हूँ सुनाम रेलवे स्टेशन से बाहर जो मार्केट आती है उसका व्यू। तो जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे हो, ये है मार्केट जो कि स्टेशन से बाहर निकल के आपको दिखाई देगी, कुछ ऐसा व्यू है। यहाँ पर माता का मंदिर बना हुआ है और सामने आप बोर्ड देख पा रहे होगे रेलवे स्टेशन का, और इसके बाहर ही आउटर पे बाहर ही इसके खाने पीने की स्टॉल्स वगैरह, खाने पीने की आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो फिलहाल अभी हम चलते हैं इस रेलवे स्टेशन के अंदर और देखते हैं इस रेलवे स्टेशन में कैसी फैसिलिटीज़ हमें देखने को मिलेंगी। अभी हम बिल्कुल रेलवे स्टेशन के बाहर हैं और पहले मैं आपको इस रेलवे स्टेशन का बाहर से व्यू दिखा देता हूँ। तो भाई ये है सुनाम रेलवे स्टेशन, जैसे कि आप देख पा रहे हो, और इस रेलवे स्टेशन से बाहर निकलती आप इस रोड पर आ जाओगी जो कि बहुत ही बिजी रोड है, और सामने आपको खाने पीने की स्टॉल्स वगैरह दिख जाएंगे। यहाँ पे आप खाने पीने की ये कुछ भी ले सकते हो, किसी भी तरह की कोई दिक्कत यहाँ पे आपको नहीं आने वाली। और अभी हम चलते हैं इस रेलवे स्टेशन के अंदर और सुनाम रेलवे स्टेशन आप सबका स्वागत करता है। रेलवे स्टेशन में एंटर करते ही आपको सामने ई रिक्शा की फैसिलिटीज़ वगैरह मिल जाएंगी, मतलब किसी भी तरह की कोई दिक्कत आपको यहाँ पे नहीं आने वाली। आप कहीं पे भी जाना चाहते हो इस शहर में तो आपको ई रिक्शा की फैसिलिटीज़ यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो अभी हमें इस रेलवे स्टेशन में एंटर किया है और यहाँ पे ये जो पूरा एरिया है ये सारा पार्किंग एरिया है, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर गाड़ियाँ वगैरह खड़ी भी हैं। और यहाँ पर कोई फंक्शन है शायद, मुझे पता नहीं है किस चीज़ का फंक्शन है। तो ये है भाई अपना सुनाम उधम सिंह वाला रेलवे स्टेशन, हालांकि बिल्डिंग वो पुरानी है जैसे कि आप देख ही पा रहे हो, बहुत ज़्यादा पुरानी बिल्डिंग है। तो इधर से कुछ ऐसा व्यू आता है, मैं आपको दिखाता हूँ। और दूसरी साइड में आपको दिखाऊं, इस तरफ है रेलवे क्वार्टर और साफ़ सफाई हो रही है इधर, और ये जो रास्ता है रेलवे क्वार्टर की तरफ जाता है, ये रेलवे क्वार्टर है सारे। और ये तो मैंने आपको दिखाई दिया, ये पार्किंग एरिया है सारा का सारा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं इस रेलवे स्टेशन के अंदर। और यहाँ से आप टिकट वगैरह ले सकते हो, ये है टिकट काउंटर और ये है वेटिंग रूम। हालांकि बिल्डिंग बहुत छोटी है, प्लेटफॉर्म इससे ऊंचा है क्योंकि पुरानी बहुत होगी ना ये बिल्डिंग, इसीलिए। ये लगी हुई है टिकट वेंडिंग मशीन, यहाँ से भी आप टिकट वगैरह ले सकते हो अगर आप लेना चाहो। तो भाई कुछ ऐसा दिखता है अपना सुनाम रेलवे स्टेशन। अभी हम प्लेटफॉर्म पे नहीं है, अभी हम बिल्डिंग पे ही हैं और बाहर से मैंने आपको दिखाया ही है, अभी हम वहाँ से आए हैं तो कुछ ऐसा हमें देखने को मिलता है अंदर आते ही। ये है प्लेटफॉर्म और ये है पुरानी बिल्डिंग, इससे बहुत ऊँचा है ये प्लेटफॉर्म जैसे कि आप देख पा रहे हो। ये है अपना सुनाम उधम सिंह वाला एक नंबर प्लेटफॉर्म।
और सामने है 2 नंबर और 3 नंबर प्लेटफॉर्म। जैसे कि इधर से आप देख सकते हो तो अंदर से देख लीजिए ये जो बिल्डिंग है कैसी दिखती है, हालांकि बहुत ज़्यादा पुरानी हो चुकी है और इसका लेवल, ये जो बिल्डिंग का लेवल है वो प्लेटफॉर्म के लेवल से बहुत ज़्यादा नीचे है, जैसे कि आप देख भी पा रहे हो। और सामने खड़ा है वैग 9। तो यहाँ पे अलग से बना हुआ है एक वेटिंग रूम, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से हम फिर बाहर निकला इस रेलवे स्टेशन से। ये व्यू मैंने आपको दिखाई है पहले, रेलवे क्वार्टर जो हैं, और इधर से है अपना मेन एंट्रेंस। हालांकि जैसे ही आप इस रेलवे स्टेशन में एंटर करते हो आपको सामने बुकिंग ऑफिस देखने को मिलेगा और साथ ही वहाँ पे टिकट वेंडिंग मशीन और बैठने के लिए आपको सुविधा वगैरह मिल जाएगी। तो चलिए अंदर चलते हैं। और इस रेलवे स्टेशन का जो निर्माण है वो हुआ था 1905 में। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो RPF ऑफिस। शीतल जल की सुविधा यहाँ पे। यहाँ पे बने हुए हैं टॉयलेट और ये खड़ा अपना वैग 9। हालांकि जैसे कि आप सामने देख पा रहे हो 2 नंबर और 3 नंबर प्लेटफॉर्म आपको सामने दिखाई दे रहा है, उस प्लेटफॉर्म पे शेड वगैरह कहीं पे भी नहीं लगा हुआ। हालांकि बैठने के लिए सीट बहुत है और शेड वगैरह यहाँ पे नहीं लगा हुआ। ये पानी यहाँ पे ठंडा नहीं है और पीना भी बहुत मुश्किल है क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा है यार। तो जैसे कि दोस्तों मैंने आपको दिखाया, जैसे ही हम इस रेलवे स्टेशन के अंदर एंटर होते हैं पार्किंग के बाद, उसके मेन एंट्रेंस पे एक रेलवे क्वार्टर की अलग से एक रास्ता निकलता है, तो ये वो रास्ता है। और यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो रेलवे क्वार्टर्स बने हुए हैं। दोस्तों कौन कौन सी ट्रेन इस रेलवे स्टेशन पर आकर रुकती हैं वो मैं मेंशन कर रहा हूँ, आप देख लीजिए। सो कुछ ऐसा दिखता है अपना सुनाम रेलवे स्टेशन। हालांकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2 नंबर और 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर किसी भी तरह का शेड नहीं लगा हुआ और पेड़ पौधे अभी छोटे हैं, लगे तो हुए हैं छोटे हैं, उनकी छाँव में हम नहीं खड़े हो पा रहे। लेकिन अभी मैं खड़ा हूँ 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर, जैसे कि आप मेरे ऊपर देख भी पा रहे हो, बढ़िया अच्छे पेड़ लगे हुए हैं, इनकी छाँव में अभी मैं खड़ा हूँ, ठंडी ठंडी हवा बढ़िया चल रही है यहाँ पर। लेकिन गर्मी सच में आज बहुत ज़्यादा है और उस प्लेटफॉर्म पे भी थोड़ा बहुत अगर शेड वगैरह लगे होते तो पैसेंजर्स को कोई दिक्कत ना आती।
और दोस्तों ये जो रेलवे स्टेशन है नॉर्थन जोन के अंबाला डिवीजन में आता है और सेक्शन है दोस्तों जाखल धूरी सेक्शन। और इस रेलवे स्टेशन का दोस्तों स्टेशन कोड है SFMU और यहाँ पे टोटल 18 ट्रेन जो हैं यहाँ के यहाँ पे आकर होल्ड करती हैं। और यहाँ से पीछे आप रास्ता देख रहे हो, ये वाला जो लाइन है ये धूरी की तरफ चली जाती है और दूसरी तरफ ये वाली जो लाइन है ये जाखल की तरफ चली जाती है। तीन प्लेटफॉर्म का स्टेशन है। और बात करूँ इस रेलवे स्टेशन के बारे में तो ये जो रेलवे स्टेशन है उधम सिंह वाला, शहीद उधम सिंह वाला जो कि एक क्रांतिकारी थे जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दी, देश के लिए कुर्बान हुए, उनके नाम से ये जो रेलवे स्टेशन है बनाया गया है। तो मैंने यहाँ पे आपको फैसिलिटीज़ दिखा दी, पानी की सुविधा, ठंडे पानी की सुविधा यहाँ पे आपको मिल जाएगी। दूसरे नंबर पर यहाँ पे आपको वाईफाई की सुविधा मिल जाएगी। तीसरे नंबर पे आपको यहाँ पे शौचालय मिल जाएगा। और चौथे नंबर पे एक नंबर प्लेटफॉर्म पर यहाँ पे आपको मतलब कि बैठने की कोई दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि गर्मियों के दिनों में यहाँ पे पेड़ पौधे जैसे कि आप देख पा रहे हो बहुत लगे हुए हैं। सो अभी हम आ चुके हैं एक नंबर प्लेटफॉर्म के बिल्कुल एंड पॉइंट पे, जैसे कि आप देख पा रहे हो और सामने आपको फाटक वगैरह दिख रहा होगा। यहाँ पे क्रॉसिंग के लिए अलग फाटक बना हुआ है। तो ये है भाई अपना सुनाम रेलवे स्टेशन। हालांकि प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा है, मैं आपको दिखाता हूँ पीछे से। जैसे कि सामने आप देख पा रहे हो वो है दो नंबर और तीन नंबर प्लेटफॉर्म, और ये है अपना एक नंबर प्लेटफॉर्म। सामने आप देख पा रहे हो सामने लगा रेलवे फाटक। सो जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे हो ये है अपना सुनाम रेलवे स्टेशन, और यहाँ पे आप एक नंबर प्लेटफॉर्म के बिल्कुल आउटर पे खड़े हो। यहाँ से आप इजीली बस स्टैंड के लिए जा सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ इधर से। तो फिलहाल गाइज अभी हम आ चुके हैं सुनाम रेलवे स्टेशन के बस स्टैंड पे। जैसे कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हो थोड़ी देर पहले मैं था रेलवे स्टेशन पर। रेलवे स्टेशन के बिल्कुल पास ही ये बस स्टैंड है, आप बस स्टैंड इजीली आ सकते हो। अगर आपकी ट्रेन वगैरह छूटती है उसके बाद आप बस इजीली आप पकड़ सकते हो। ये सुविधा यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़िया है। सो कुछ ऐसा दिखता है दोस्तों अपना सुनाम बस स्टैंड, सॉरी मैं रेलवे स्टेशन कहने वाला था, ये बस स्टैंड है। हालांकि मैं रेलवे प्लेटफॉर्म पे था, रेलवे प्लेटफॉर्म के बिल्कुल पास ही ये जो बस स्टैंड है वो पड़ता है, तो मैंने सोचा क्यों ना आप सब लोगों को रेलवे स्टेशन के साथ ही ये जो बस स्टैंड है वो भी दिखा दूँ। तो ये था दोस्तों रास्ता, मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ एक बार। फिलहाल अभी हम हैं सनाम बस स्टैंड पर, जैसे कि आप देख पा रहे हो। और ये जो रास्ता है, और ये अभी हम आ चुके हैं सुनाम रेलवे स्टेशन पर। सो ये था दोस्तों आज का व्लॉग। उम्मीद है दोस्तों आज की जो इन्फॉर्मेशन आप सब लोगों को पसंद आई होगी। इस व्लॉग में मैंने आपको रेलवे स्टेशन भी दिखाया और साथ ही साथ मैंने आपको सुनाम बस स्टैंड भी दिखा दिया, जो कि रेलवे स्टेशन के बिल्कुल पास में ही है। आप चाहो तो रेलवे स्टेशन से 2 सेकंड भी नहीं लगेंगे आपको बस स्टैंड में जाने में, एक बीच से रास्ता जाता है मैंने आपको दिखाया, वहाँ से आप इजीली आप बस स्टैंड के लिए जा सकते हो। सुनाम वालों आपका रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड मैंने कवर किया है, तो यार इतना तो लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो आप, थोड़ा सा मोटिवेशन मुझे मिल जाएगा और वीडियो और भी मैं बढ़िया से बढ़िया लेकर आऊँगा। सो उम्मीद है दोस्तों आप सब लोगों को ये वाली जो जानकारी है बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। किसी भी तरह की क्वेरी होती है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।